हेलो एवरीवन, द व्हील ऑफ टाइम के प्रशंसक, हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आप सभी के साथ साझा करने के लिए कुछ रोमांचक समाचार हैं। हम द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 की बहुप्रतीक्षित रिलीज की तारीख और कुछ रोमांचक अपडेट पे बात करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप महाकाव्य फैंटास्टिक श्रृंखला के प्रशंसक हैं तो इससे जुड़े रहने के लिए सुनिश्चित करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री प्रोडक्शन का, हम बात कर लेते हैं तो प्री प्रोडक्शन वाला वर्क है जो लगभग कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, हमें पता चला है। और जैसे कि आपको पता है कि राइटर स्ट्राइक खत्म हो चुका है, इसलिए यह स्क्रिप्ट वाला जो वर्क है वो लगभग कंप्लीट है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की, तो इसका जो है यह एक नोवेल बेस पे आधारित सीरीज है जो कि 15 नोवेल बुक है इसका, और हम सीजन 3 के अंदर चौथे नोवेल बुक की स्टोरी देखने वाले हैं। और यह चौथे नोवेल का नाम है द व्हील ऑफ टाइम द शैडो राइजिंग। जो ये बुक है इसके ऊपर आपको सीजन 3 का स्टोरी देखने को मिलने वाला है, जो कि उसके अंदर में जो भी है, मैंने बुक पढ़ा नहीं है, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लेकिन स्पॉइलर मत देना यार। तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा और कब तक इसका देखने को मिल सकता है फिल्मिंग। तो जैसे हमें पता चल रहा है जो प्रोडक्शन वाला है, जो पास्ट के टाइमलाइन अगर देखते हैं उसके अनुसार आप जनवरी मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 के, यानी कि लेट 2024 में स्टार्ट होगा इसका फिल्मिंग। तो मान के चलिए 2024 के अंदर में इसका फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगा सीजन 3 के लिए, आप इंतजार अगर कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, तो पोस्ट प्रोडक्शन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड है, ये उम्मीद लगाया जा रहा है, ठीक है, और रिपोर्ट एंड रिसर्च के बेसिस पे ये बताया जा रहा है आपको। तो पोस्ट प्रोडक्शन बताया जा रहा है 2025 के अंदर देखने को मिलने वाला है, और ये टाइमलाइन के पीछे के हिसाब से भी देखते हैं तो उसके अनुसार ये 2025 के अंत तक आपको ये कंप्लीट होते हुए नजर आ सकता है। सितंबर से पहले ये काम कंप्लीट हो सकता है ये पोस्ट प्रोडक्शन वाला वर्क। जैसे कि आपने पास्ट के रिकॉर्ड भी देखे हैं, तो रिलीज की अब बात करते हैं, तो पास्ट के रिकॉर्ड आप सितंबर महीने में आप देखते हैं, तो उस महीने में आपको ये रिलीज हुआ था, दो सीजन उधर देखने को मिलता है सितंबर महीने के अनुसार। तो इसके अनुसार आप बताया जा रहा है 2025 के अंत तक, यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच में इसका रिलीज हो सकता है, और रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसके अनुसार मैंने बता दिया, अगर उम्मीद लगाना है तो सितंबर से दिसंबर तक उम्मीद लगा सकते हैं, आप देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा, और सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक ले, बाय बाय।